दोस्तों, वेट लॉस या वेट रिड्यूस करना एक ऐसा टॉपिक है जिसपे जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिलती है। लोग एक से बढ़कर एक टिप्स या डाइट प्लान बनाते हैं जिसके हिसाब से वेट रिड्यूस करना मानो बच्चों का खेल हो, पर हकीकत तो आप जानते ही है कि असल में कितना चैलेंजिंग काम है। इसीलिए मैं आज आपके साथ हाउ टू रिड्यूस वेट शेयर कर रहा हूँ। मेरी कोशिश यह होगी कि हिंदी में मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। दोस्तों, वेट बढ़ने का विज्ञान जो है बहुत सीधा सीधा है। आप अगर खाने में जितनी कैलोरी लेते हैं उतनी कैलोरी अगर बर्न नहीं करते हैं तो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो वेट बढ़ाने का कारण बनती है। बची हुई कैलोरी हमारे शरीर में फैट के रूप में इकट्ठा हो जाती है और हमारा वजन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वजन कम करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको जानना चाहिए कि आपका जो वेट है वो सही है या नहीं। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। दोस्तों, अब यदि आप ओवरवेट है तो आपको वजन कम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में 25 टिप्स बताने वाले हैं जिससे आपको वजन कम करने में मदद होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जो सबसे पहली टिप्स है, सब्र करना, मतलब पेशेंस। याद रखिए कि आपको आपका वेट 1, 2 या 3 महीने में नहीं घटा देना है, क्योंकि ये जिस तरह से बढ़ा है धीरे धीरे करके वो उसी तरह से धीरे धीरे करके वो कम होगा। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि शुरू शुरू के 1-2 हफ्ते में आपके वजन में कोई फर्क दिखाई ना दे, लेकिन आपको जो है वो पेशेंस बनाए रखने हैं, धैर्य बना रखना है, हिम्मत बनाए रखनी है। दोस्तों, दूसरी टिप है, अपने एफर्ट्स में यकीन कीजिए। दोस्तों, आप वेट लॉस करने के लिए, वजन कम करने के लिए जो कुछ भी एफर्ट लगा रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं और डेली जिम जा रहे हैं, तो अगर आप यही चीज अपने दोस्तों को बताते हैं तो बोलते हैं अरे जिम विम जाने से कोई वजन नहीं कम होता, बैडमिंटन खेलने से, टेनिस खेलने से, फुटबॉल खेलने से, साइकिलिंग करने से कुछ वजन कम नहीं होता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई डीमोटिवेशन करता है तो आपको आपके जो मेहनत है, आप जो एफर्ट लगा रहे हैं उस पे यकीन करना बहुत ही जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट्स जो है मुझे जरूर मिलेंगे। दोस्तों, वेट लॉस करने के लिए आप विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर मेरा वेट कम हो जाता है तो मैं कैसे दिखने लगूंगा, मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की होगी, किस तरह के मैं कपड़े पहन सकता हूँ। तो ये विजुलाइज करने से भी आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है। दोस्तों, डेली रूटीन में पानी को अपना मेन ड्रिंक बनाएं, ना कि कोल्ड ड्रिंक, चाय और कॉफी। दोस्तों, पानी की रोजाना रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप पानी पीते हैं तो पानी में 0 कैलोरीज होती है, जिसकी वजह से जो है वो आप दिन भरे में कम से कम 200 से 250 कैलोरीज कम ले सकते हैं। दोस्तों, आप वेट रिड्यूस करते समय फिटनेस बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको कैलोरी काउंट करने में मदद होगा। इसमें एक पेडोमीटर लगा होता है जो आपके स्टेप्स दिन भरे के वो चेक कर सकता है। अगर आप दिन भर में कम से कम 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो वह भी आपको जो है वो वजन कम करने में मदद करेगा। दोस्तों, आप अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखें। रिसर्च में यह भी देखा गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं, आप कुछ भी खाए आप उस डायरी में नोट करें, आपकी कैलोरीज जो है वो काउंट करें, ऐसा करने पर आप जो है वो अपनी कैलोरी को कंट्रोल कर सकते हैं और कम से कम कैलोरी कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, दिन में 3 टाइम खाने की बजाय 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। साउथ अफ्रीका में की गई एक रिसर्च में पाया गया है कि यदि व्यक्ति सुबह, दोपहर, शाम खाने की बजाय दिन भर में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाता है तो वह 30% तक कम कैलोरी कंज्यूम करता है, और यदि वह उतनी ही कैलोरी ले रहा है जितनी वो 3 बार खाने में लेता है तो भी ऐसा करने से बॉडी कम इंसुलिन रिलीज करती है जो कि आपके ब्लड शुगर को सही रखता है और आपको भूख कम लगती है। रोजाना 45 मिनट तक एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करने से आपको वजन घटाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, वजन कम करने के लिए नीले रंग का अधिक प्रयोग करें। नीला रंग जो है वो भूख को कम करता है, यही वजह है कि अधिकतर रेस्टोरेंट में नीले रंग का प्रयोग कम करते हैं। आप खाने में ब्लू प्लेट्स यूज करें, नीले कपड़े पहने और टेबल पर नीला टेबल क्लॉथ डालें। इसके ऑपोजिट रेड, येलो और ऑरेंज कलर को खाते वक्त अवॉइड करें, यह कलर जो है वो भूख को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर एक बार आप सही वेट पा चुके हैं तो अपने पुराने कपड़े आपको लूज होने लगेंगे, जिसको आपको दान कर देना चाहिए, जो आपको खुशी तो होगी और उसके साथ साथ आपके दिमाग में एक बात बनी रहेगी कि अगर आप फिर से मोटे हुए तो आपको वापस कपड़े खरीदने पड़ेंगे। इसी वजह से जो है वो आप वजन को कंट्रोल रखने में इनकरेज करेगी।
दोस्तों, अध्ययनों से पता चला है कि चाहे आपको कितनी भी भूख लगी हो, यदि आपके सामने कम खाना होगा तो आप कम खाएंगे, और यदि ज्यादा खाना होगा तो आप ज्यादा खाएंगे। तो अच्छा होगा कि आप छोटी से छोटी थाली लेकर उसमें जितना कम हो सके उतना कम खाना ले और कम खाना खाए। इसी तरह से चाय कॉफी के लिए जितने छोटे कप्स का प्रयोग कर सकते उतने छोटे कप्स का प्रयोग करें। बार बार खाना लेना आपका कैलोरी इंटेक बढ़ाता है, इसलिए आपको जितना खाना है उसी हिसाब से एक ही बार उतना ही खाना ले। दोस्तों, एक स्टडी में यह पाया गया है कि शीशे के सामने बैठकर खाने वाले लोग कम खाते हैं। शायद खुद को आउट ऑफ शेक देखकर उन्हें ये याद रहता है कि मुझे वजन कम करना कितना जरूरी है। दोस्तों, एक रिसर्च में पाया गया है कि वाटर रिच फूड जैसे कि टमाटर, खीरा, लौकी आदि का इस्तेमाल करने से आपका जो ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन है वह कम होता है, क्योंकि इस तरह के फूड्स में कैलोरीज बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। दोस्तों, वजन कम करने के लिए चाय कॉफी बनाने में सिर्फ दूध का इस्तेमाल न करें तो स्कीम मिल्क या डबल टोन मिल्क, जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है और कैलोरीज और फैट कम होता है। दोस्तों, खाने के निवाले को धीरे धीरे खाने से आपका ब्रेन पेट भर जाने का सिग्नल पहले ही दे देगा और आप कम खाएंगे। इस वजह से आपको खाने का निवाला जो है वो ज्यादा से ज्यादा बार चबाकर खाना चाहिए। दोस्तों, तभी खाए जब सचमुच भूख लगी हो। कई बार हम बस यू ही खाने लगते हैं। कई लोगों को आदत होती है, बोर्डम या नर्वसनेस की वजह से भी खाने लगते हैं। तो अगली बार आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको जब सच में भूख लगी हो तभी आप खाना खाए। वजन घटाने में सबसे जरूरी बात जो है वो जूस पीने के बजाय फल खाए। जूस की अपेक्षा फल में कम मात्रा में कैलोरीज होती है, जिसकी वजह से आपका पेट भरा भरा रहता है और आप जो है वो ओवरऑल कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, आप जितना ज्यादा चलेंगे आपकी कैलोरीज उतनी ही ज्यादा बर्न होगी। दोस्तों, रोजाना दिन भर की जो हमारी रूटीन है उसमें आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। आसपास जाने के लिए स्कूटर या बाइक का इस्तेमाल मत कीजिए, वहाँ पे पैदल चले जाइए। घर में भी आप मोबाइल पे बातें करते करते एक जगह बैठे मत रहिए, तो यहाँ से वहाँ टहलिए। यह छोटे छोटे एफर्ट जो है वो आपको वजन घटाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों, वजन घटाने में हफ्ते में एक दिन कोई भारी काम करें। हर हफ्ते कोई एक भारी काम या एक्टिविटी, जैसे कि अपनी कार धोना, बाइक धोना, बच्चों के साथ घूमने जाना, गार्डनिंग करना या तो घर पे हेल्प करना, इस तरह का भारी काम करने से आपको वजन घटाने में मदद मिलती है। दोस्तों, स्टडीज से पता चला है कि जितना अधिक आप दिन के वक्त खा लेंगे रात में आप उतना ही कम खाएंगे, और दिन में जो कैलोरीज आपने कंज्यूम की है उसे रात तक बर्न हो जाने के चांस अधिक है। दोस्तों, वजन घटाने के लिए जब भी आपको वक्त मिले बढ़िया सा म्यूजिक लगाकर डांस कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका मनोरंजन भी होगा और अच्छी खासी कैलोरीज भी बर्न हो जाएगी। दोस्तों, रोज सुबह हल्के गुनगुने पानी के साथ नींबू और शहद का सेवन करने से वजन कम होने में मदद मिलती है। दोस्तों, रोज दोपहर में खाने से पहले 3 ग्लास पानी पिए। ऐसा करने से आपको भूख कुछ कम लगेगी, और यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो भूख से थोड़ा कम खाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल मेडिसिन गुरु सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।